आप 12th स्टैंडर्ड लेट अस कंटिन्यू नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 31। अब हम पेज नंबर 31 पे हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी, यानी पैसे का क्या मतलब है और पैसा किस किस तरीके से फंक्शनिंग करता है, यानी किस किस तरीके से हमारे काम में हमारे उपयोग में आता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल मनी इज दैट मीडियम विच इज़ यूज एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। अब मार्शल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो पैसा वो माध्यम माना गया है कि जो एक्सचेंज के यानी एक दूसरे के हेरा फेरी या बदले में हम एक्सचेंज कर सकते हैं बिना किसी डाउट या बिना किसी इन्वेस्टिगेशन यानी कार्रवाई किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस, यानी कि कार्रवाई किस चीज़ की नहीं होनी चाहिए, समय की और जगह की। यानी पैसा वो माध्यम माना गया कि जहाँ पर समय या जगह की कोई अहमियत नहीं है और उसको इन्वेस्टिगेट किए बिना ही एक्सचेंज आप कर सकें। अब देखिए वाइल रॉबर्टसन, ये तो मार्शल का डेफिनेशन था। अब रॉबर्टसन का कहना क्या था मनी के बारे में, देखिए रॉबर्टसन डिफाइंस मनी एज व्हाट इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रॉबर्टसन कहते थे कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है पूरे विश्व में गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में। दस दैट विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी, और वो यही चीज़ है कि जो सब चीज़ को फंक्शनिंग करता है वो है पैसा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मनी इट इज़ अननेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ मनी। अब इसीलिए पैसे को और अच्छी तरह जानने के लिए, पैसों की कीमत या अहमियत और अच्छी तरह जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा फंक्शंस ऑफ मनी, यानी पैसे को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन से फंक्शनिंग्स में। तो यहाँ पे 3 फंक्शनिंग दी हुई है, देखिए मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड इज़ मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड द थर्ड वन इज़ मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। तो 3 तरह से, फर्स्ट वन हम चलिए पढ़ेंगे मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज़ टू एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड। अब सबसे ज़्यादा फंक्शनिंग जो मनी की होती है वो एक्सचेंज के लिए या ट्रेड के लिए, एक्सचेंज यानी बदलाव के लिए, ट्रेड यानी व्यापार के लिए। इट रिमूव्स द लिमिटेशंस ऑफ द लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एंड मेक एक्सचेंजेस ईजियर। अब यहाँ पर दो तरह का लोगों के अंदर जो दो डबल सोच चलती है कि डबल कोइंसिडेंस यानी कि दो एक साथ दो हाथ से, जैसे कि चाहिए भी और एक्सचेंज भी करना है, तो इन चीज़ों को ईजियर बनाता है। द फार्मर कैन गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ फेट एंड देन फ्रॉम दैट मनी ही कैन बाय क्लोथ्स। अब जैसे कि फार्मर है, किसान को अगर गेहूं के बदले में पैसा चाहिए तो वो उन पैसों से क्या करेगा, कपड़े खरीदेगा या राइस खरीदेगा या घी खरीदेगा या एक्सेट्रा या उसकी ज़रूरत का वो कुछ भी खरीदेगा। इंडिविजुअल कैन स्पेंड मनी टू सेटिस्फाई हिज प्रेजेंट डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और एक इंसान इंडिविजुअल यानी आम आदमी क्या करेगा, वो पैसा पाएगा तो वो अपनी ज़रूरत के, चाहे उसे अनाज खरीदना हो, चाहे उसे किसी सर्विस के लिए यूज़ करना हो, चाहे उसकी जो भी डिमांड होगी आज की तात्कालिक डिमांड, वो उस हिसाब से खर्च करेगा। एंड ऑल्सो सेव द मनी फॉर फ्यूचर टू सेटिस्फाई हिज फ्यूचर नीड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके अलावा क्या करेगा, वो पैसों को कुछ हद तक बचा के रखेगा जिससे उसके आने वाले समय में उसकी जो ज़रूरत हो, चाहे वो अनाज से हो, चाहे वो धन दौलत से हो, चाहे वो चीज़ों से हो, वो उन चीज़ों को वो खरीद पाएगा। बेसिकली मनी इज़ यूज्ड एज ए मीडियम टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय बाइंग गुड्स और सर्विसेज। इस तरह से मनी को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया, मनी ही एक ऐसा माध्यम माना गया है जिससे इंसान की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो या किसी भी सर्विसेज में हो। नाउ सेकेंड इज मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मनी को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं वैल्यू के रूप में या कितना कीमती है मनी स्टोरिंग। तो अनदर फंक्शन ऑफ मनी इज़ ए स्टोर ऑफ वैल्यू। दूसरा फंक्शन मनी का ये है कि मनी इज़ ए स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है कीमत। तो पैसा एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसको हम स्टोर करते हैं। फिर पर्सन प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज बट सेविंग वेल्थ फॉर फ्यूचर नीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वॉज डिफ़िकल्ट बिफोर द यूज़ ऑफ मनी एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन पैसे की अहमियत कैसे बढ़नी चाहिए, देखिए पहले जो होता था कि गुड्स और सर्विसेज तो आपस में एक्सचेंज हो जाती थी, लेकिन लोगों के पास धन नहीं बचता था, पैसा बचता ही नहीं था कि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखें या कुछ सेविंग करके रखें कि जब आने वाले समय में उनका मुश्किल वाला दौर होगा तब वो पैसे
का उपयोग किस तरह से करेंगे। इसलिए पैसा जब मार्केट में आया तो एक्सचेंज जो है गुड्स और सर्विसेज का और भी ज़्यादा आसान हो गया और पैसा भी लोग बचा पाए। एनिमल्स वेयर मोटर एंड लॉन्ग टर्म सेविंग ऑफ वैल्यूज वॉज नॉट पॉसिबल यूजिंग डैम। अब एनिमल्स को भी एक जरिया बनाया गया था, लेकिन एनिमल्स जो हैं एनिमल्स वो इस तरह के मोटर हैं कि वो हमेशा काम आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि उसकी भी लाइफ स्पैन डिसाइडेड होती है। दिस मेड मनी द मोस्ट सक्सेसफुल मीन्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम। इस तरह से पैसा जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल माना गया इस कीमती दौर में या इस कीमती समय में। इट इज़ ईजी टू हैव मनी एज स्टोरेज ऑफ वैल्यू। बहुत ही आसान हो गया कि पैसे को, कीमती चीज़ को हम स्टोर कर पाते हैं या बचा पाते हैं या संभाल के रख पाते हैं। इट बिकेम पॉसिबल टू गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ क्रॉप्स एंड सेव द मनी फॉर फ्यूचर नीड्स टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। और ये पॉसिबल हो गया, यानी ये आसान हो गया कि हम पैसे को जो है वो क्रॉप्स की जगह पे यूज़ कर लेते हैं और पैसा जो है वो बचा के रखते हैं अपने फ्यूचर की ज़रूरत के लिए, या फ्यूचर में आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो वो हम पैसों से खरीद पाएंगे। अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मनी वॉज दैट इट कुड बी यूज एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दूसरा, पैसे का यूज़ यहाँ भी किया जाता है कि उसे इसलिए भी बचा के रखा जाता है कि लोगों का एक स्टैंडर्ड बना रहता है कि आपको इतने पैसे मिलते हैं या आपके पास इतना पैसा बचत रूप में है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर द एंटायर सिस्टम्स ऑफ क्रेडिट हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। अब ये जो एक है कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक ऐसा साधन भी बन गया था कि आप अपनी ज़रूरत की इम्पॉर्टेंट बेसिस, यानी कि इस तरह से एक मेन मुद्दा बन गया था कि एंटायर सिस्टम को चलाने के लिए, पूरी की पूरी सिस्टम को चलाने के लिए क्या होता था, पैसे को क्रेडिट किया जाता था। यानी पैसा लोग बचाते थे, बचा के क्या करते थे, वो हायर परचेस यानी कि जो उनको चीज़ों की ज़रूरत है वो ख़रीद लेते थे, एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स और चीज़ों को ख़रीद लेने के बाद में उसे धीरे धीरे उसका पैसा चुकाया जाता था। तो इस तरह की पेमेंट्स को हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू वो क्या है वो अब जान लेते हैं। मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है कि कीमत क्या है, पैसों की कीमत क्या है। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इट वॉज वीट इक्वल्स टू, अब बार्टर सिस्टम में हम जाएंगे तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द एक्सचेंज रेट्स एंड वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर 20 केजी ऑफ वीट इक्वल्स टू हाउ मच केजी ऑफ राइस। अब ये बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में अगर हम जाते ही हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था लोगों के लिए कि वो किस तरह से चीज़ों की बदला बदली करें। अगर 20 किलो गेहूँ जो है उन्होंने अगर किसी को दिया है तो उसके बदले में उन्हें कितना चावल मिलना चाहिए, इक्वल्स टू हाउ मच मीटर ऑफ क्लोथ्स, या फिर अगर वो कपड़े लेते हैं तो कपड़े उन्हें कितने मीटर मिलने चाहिए, इक्वल्स टू हाउ मच केजी ऑफ घी, अगर वो घी ले रहे हैं तो घी उनको कितना किलो मिलना चाहिए। वाइल ऑन द अदर हैंड मनी मेक्स दिस इजियर अलाउिंग द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज टू बी कंपेयर्ड एंड असेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन वही चीज़ अगर हमने दूसरे तरीके से देखा, अदर हैंड पैसा जो है पैसे ने ये सब कुछ आसान कर दिया, क्योंकि हमें अगर मार्केट में जाकर उन चीज़ों की मार्केट वैल्यू पता होता है तो हम आसानी से वो चीज़ उसी मात्रा में जितनी की हमें ज़रूरत है उस मात्रा में हम खरीदते हैं और उतना ही हम पेमेंट करते हैं। लेकिन चीज़ों वाले में क्या होता था, कोई चीज़ अगर महंगी है तो उसमें हम कम चीज़ सस्ती चीज़ ले लेते थे और सस्ती चीज़ को हम कभी कभार महंगी जगह पे दे देते थे, तो ये होता था, लॉस भी होता था। जबकि अब पैसों वाला जब संबंध चालू हुआ तो ये चीज़ें आसान हो गई। मनी इम्प्लाइज द प्राइस सिस्टम अलाउिंग द मेजर ऑफ प्राइस ऑफ ईच गुड्स और सर्विसेज विच कैन बी कंपेयर टू ईच अदर। इट ऑल्सो अलाउज द फास्टर डिसीजन मेकिंग एन एक्सचेंज। अब देखिए इस तरह से पैसे के जरिए ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई, क्योंकि आपको प्राइस सिस्टम पे जाना है, प्राइस आपको पता होगा तो आप हर चीज़ को, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो किसी भी तरह की सर्विसेज हो, उसका आपको अगर प्राइस पता है तो आप वो चीज़ों का प्राइस पे करके आसानी से वो चीज़ ले पाएंगे। इट ऑल्सो अलाउज फास्टर डिसीजन मेकिंग एन एक्सचेंजेस। अब ये बहुत ही आसान भी हो गया और फास्ट तेज़ी से भी आपको आसानी से समझ में आए ऐसा भी हो गया था कि आप जो चीज़ डिसीजन यानी जो भी आप राय मशवरा आप करते हैं वो आप बड़े जल्दी से जल्दीबाजी में कर सकते हैं और इसकी बदला बदली भी बड़े आसान तरीके से हो सकती थी।